जी ठीक हो गया स्क्रीन के अंदर आपका ये जो गूगल क्लासरूम का बेसिकली ये पेज है आप सारों को आई थिंक होपफुली लिंक मिल गया होगा इसका गूगल क्लासरूम का और जिन लोगों को नहीं मिला तो आप काइंडली के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना आ, जो गूगल क्लासरूम का लिंक है वो काइंडली उनसे ले लें जो भी हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो बूट कैम्प के अंदर हम प्रोसेस यूज करेंगे जो बुक्स हैं इसके अलावा जो स्पेसिफिक टेक्निक्स हम यूज करेंगे वो इसके अंदर लिखा हुआ है प्री रिक्वेस्ट के अंदर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रिसर्च मैथडोलॉजी की वो आपको होनी चाहिए क्योंकि ये जो वर्कशॉप है ये एडवांस लेवल की आप माशाल्लाह सारे एम फिल पी एच के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल डॉक्टर्स हैं तो एम के यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स आपने अपना कुछ uh, ना कुछ इसके ऊपर काम किया हुआ है बहुत से लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिन लोगों का मैंने थीसिस देखा है जिनका मैंने काम देखा है तो होपफुली आपको लास्ट वर्कशॉप के अंदर काफ़ी सारी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन मिल गई होगी तो ये जो हमारी वर्कशॉप है एडवांस रिसर्च मेथड वर्कशॉप है जिसके अंदर हम बेसिक्स को ज़्यादा टच नहीं करेंगे कि हमारी ये एजम्पन है प्री रिक्वेज के अंदर मैंने पहले इसी वजह से लिखा था कि आपको थोड़ा रिसर्च का वेरिएबल्स का थोड़ा डिफरेंट टेक्निक्स का पता होगा ताकि हम डेल्व इन कर सकें जो बेसिक इशूज हैं उनके ऊपर उसके बाद जो हमारा बेसिक प्रिय आपको जो ग्रास होनी चाहिए मल्टीवेरिएट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के ऊपर कि यूनिवेरिएट वेरियट टेक्निक्स कौन सी होती हैं बायो कौन सी होती हैं मल्टीवेरिएट कौन सी होती हैं अच्छा जिन लोगों को इसका नहीं पता तो मैं आपको यह बता दूं कि जो हमारी पुरानी वर्कशॉप हमने पहले की थी बेसिक रिसर्च वर्कशॉप उसकी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वो आपके गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने यहाँ पे शेयर की हुई आप अगर क्लासरूम में जाएं फर्स्ट पेज के ऊपर तो इन दी एंड ये आप देख रहे हैं माउस में रहा हूँ एडवांस रिसर्च मेथड्स के फोल्डर uh, के ऊपर जब तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका एक नया फोल्डर ओपन होगा जिसके अंदर आपकी पावर पॉइंट पड़ी हुई रिसर्च मैथडोलॉजी के नाम से तो आप वो रेफर कर सकते हैं कंप्लीट ओवरव्यू के लिए कि रिसर्च मैथडोलॉजी होती कौन सी हैं बेसिक यूनिवेरिएट बाईव और मल्टी टेक्निक्स कौन सी होती हैं अच्छा उसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं एस पी एस एस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए इस वर्कशॉप के अंदर हम इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे कि इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है जिन लोगों का नहीं हुआ वो उसामा आपके हाथ कोर्डिनेट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गूगल क्लासरूम के अंदर वो आपको बता सकते हैं किस तरह से इंस्टॉल करना है किस तरह से रजिस्टर करना है स्मार्ट पी एस आप में से काफ़ी लोग हैं इन्होंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ लास्ट वर्कशॉप में जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो इसका ट्रायल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री आ, उनकी वेबसाइट के ऊपर है वो मेरी लिंक मैंने काफ़ी लोगों को शेयर किया है अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसामा आपको जो है ना वो लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे जूम टेली अब आप सारे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर है तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये प्री रिक्वेस्ट के अंदर ये भी है कि आपको जो है ना ये आप इंस्टॉल कर लें कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर ऐप अगर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं Uh, इसके अलावा आप को ओपन माइंडेड होना चाहिए इसके अंदर की जो नई आपको मैं टर्म्स बता रहा हूँ या जो नई टेक्निक्स बता रहा हूँ उसको आप एब्जॉर्ब कर सकें एक डाटा को आप डिफरेंट व्यू से देखने के काबिल हो सकें अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स uh, या डिफरेंट मैथड्स जो हम डेटा के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपने उसमें बड़ा क्रिएटिव होना है आपने उसके अंदर ये सोचना है कि इस डाटा को हम कितने चार पाँच व्यूज़ के तो ना एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो किसी रिसर्च स्टूडेंट की होती है वो ये होती है कि आप एक ही डाटा के अंदर से पाँच या छः या सात जितने भी डिफरेंट अप्रोचेज हैं आप उसको इस तरह से अप्रोच करें कि आपको हर दफ़ा एक नया रिजल्ट मिले और जब आप वो अपने थीसिस में लिखेंगे जब आप अपने वो टेबल्स कॉपी करेंगे तो तब आपको आइडिया होगा कि आप वो कितना ज़्यादा अप्रिशिएट होता है आपके सुपरवाइजर के जानब से और इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं या अपना सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जान के खुशी होगी कि जब आपका काम अच्छे नोयीत का है तो आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह पी एच के बड़े आसानी से मिल जाते हैं अगर आपका वेब ऑफ साइंस या स्कोपस के जर्नल्स के अंदर किसी क्वार्टर वन जर्नल के अंदर एक भी पेपर पब्लिश हुआ हुआ है तो आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अब्रॉड अप्लाई करते हैं तो प्रोफेसर आपको मोस्ट uh, लाइकली आपको वो ले, ले लेंगे विद स्कॉलरशिप क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जो Uh, पहले ही से पब्लिश हूँ uh, दूसरी बात यह कि अभी हमारा जो मीटिंग का टाइम है वो नाइन मिनट्स के अंदर वो एंड होने लगा है तो जिस तरह से ये ख़त्म होगा हम नया एक मीटिंग का लिंक आप ग्रुप में शेयर कर देंगे तो काइंडली इसको री कर लीजिएगा मैंने आपको शुरू में बताया था क्योंकि जूम कॉन्फ्रेंसिंग वालों की तरफ से कुछ इशू है उनका बिलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा तो हम इसका प्रीमियम वर्जन नहीं ले सके तो इसके लिए जो फोर्टी मिनट्स की लिमिट होती है तो उसके लिए हम दोबारा जो है जॉइन करेंगे आपदा आपका आवाज नहीं आ रही अच्छा उसके बाद जो हमारा एजेंडा है फर्स्ट थ्री डेज का ये मैंने कुछ टॉपिक्स मैंने आपको लिस्ट कर दिए थे इवेंट के अंदर भी मैं आपको दोबारा बताता चलूँ ये कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे लेकिन ये इससे लिमिटेड नहीं है हम इसके अलावा भी टॉपिक्स कवर करेंगे लेकिन बेसिक बेसिक जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो यही हैं कि डेटा विजुअलेशन हम सब हम सबसे पहले चार्ट और ग्राफ्स और इस टाइप की चीज़ें बनाना सीखेंगे ताकि हमें एक ग्राफिकल व्यू जो है ना मिल जाए हमारे डाटा का कि इसका ओवरऑल मतलब क्या है साइकलॉजिकली um, एक ये रिसर्च है कि 70 परसेंट लोग जो है ना वो अपनी विजुअल फैकल्टी यूज़ करते हैं और ओनली 30 परसेंट लोग इस किस्म के होते हैं जो रीडिंग या राइटिंग से सीखते हैं तो जब आप अपना रिसर्च कहीं पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप उनको एक ईजी इंटरफेस देना चाहेंगे कि आपने जो रिसर्च किया इसका मतलब कि आपके जो नंबर हैं वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डाटा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से करनी फिर रिग्रेशन वेरिएबल प्लॉट्स हम बनाना सीखेंगे रिग्रेशन बेसिकली दो सेट ऑफ डाटा का आपस में इंटर कोरिलेशन होता है जिसको हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में किस तरह से होगा हमारी जितनी लेटेस्ट फील्ड ऑफ रिसर्च है मेडिकल साइंस हैं इसके अलावा डाटा साइंस है फिर नासा के जो स्पेस मिशन से डाटा आता है इसके अलावा एपिडमियालोजी के अंदर हम आ, जो यूज करते हैं लॉजिस्टिकल रिग्रेशन उस सब की बेस बेसिक रिग्रेशन एनालिसिस है तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिक रिग्रेशन एनालिसिस के बाद उसको प्लॉट किस तरह से करते हैं उसके कोरिलेशन किस तरह से होते हैं फिर सबसे पहली बात कि आप अपने अपना जो डाटा कलेक्ट किया है रिसर्च का उसको आपने इम्पोर्ट किस तरह से करना है और इसको रिकोड किस तरह से करना है फॉर um, एग्ज़ाम्पल अगर आपका uh, डाटा वो नॉर्मल आपकी जो प्रॉबिलिटी कर्व है उसके मुताबिक uh, सही सेट नहीं हुआ हुआ जिन लोगों को नॉर्मल प्रॉबलिटी कर्व का नहीं पता उनको थोड़ा मैं शेयर भी करता हूँ बल्कि दिखा देता हूँ आप लोगों uh, को नज़र आ रहा है ये जो मैंने नई स्क्रीन uh, शेयर की तो जो नॉर्मल कर्व होती है बेसिकली इस तरह से एक बेल शेप होती है जो कि सेंटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर के अंदर हाईएस्ट होती है और जो उसके एंड्स हैं दोनों एंड्स उनके ऊपर लोएस्ट होती है तो ये हमारी जो लोएस्ट एंड है बिगिनिंग एंड uh, है वो लोअर रेंज होती है और जो हाइस्ट रेंज होती है वो राइट right साइड के ऊपर और इन द मिडल जो है ना आपकी सबसे ज्यादा हाई पीक होती है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी कर्व तो ये जो आपका अगर नॉर्मेलिटी कर्व के ऊपर आपका डाटा फॉल नहीं कर रहा वो स्क्यूड है अब आपको स्क्यूनेस और कट्टोसे के बारे में मैं बताऊंगा वर्कशॉप के अंदर वो क्या होती है लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि अगर आपका जो पीक है कर्व की वो सेंटर के बजाय राइट right और लेफ्ट के ऊपर है तो हम कहेंगे कि आपका डाटा जो है वो स्क्यूड है तो उस स्क्यूड डाटा के ऊपर हम पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते उसको भी हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है नॉर्मल डाटा के अंदर तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन के भी प्रोसेस हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से करना है लॉग टेन का मेथड है इसके अंदर आ, और स्केर रूट का मेथड है ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है तो ये हम रिकोडिंग जो है वेरिएबल्स की ये भी हम सीखेंगे अच्छा फिर सबसे पहले जो ज्यादातर एनालिसिस आपने चाहे आप क्वानिटेटिव पेपर लिख रहे हैं या क्वालिटेटिव पेपर लिख रहे हैं ये एनालिसिस आपको लास्ट इसमें करने हैं कंप्यूटिंग फ्रीक्वेंसीज एंड कोरिलेश जो आपके डाटा का डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने हर पेपर में लिखना है तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उसके बाद अगर आप उसका कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स uh, का आपस में कोरिलेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि एज और आइसक्रीम सेल्स का क्या आपस में कोरिलेशन है कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आइसक्रीम लेने में अगर आपकी एज कम है तब आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या आप आ, ओल्ड एज के अंदर हैं तब ज्यादा इंटरेस्टेड है उसके लिए हम क्या करते हैं कि आइसक्रीम के सेल्स ले लेते हैं कि आ, आपकी अगर सेल तीन महीने की फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड है तो उसके अंदर कितनी एज के लोगों ने कितना परसेंट उन फाइव हंड्रेड में से खरीदा तो जब हम वो एक लिस्ट बना लेंगे तो उससे हम क्रॉस कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से एज ग्रुप ने सबसे ज्यादा आइसक्रीम लिए और उसके रिजल्ट के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये एज ग्रुप फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे जो छोटे बच्चे हैं वो आइसक्रीम खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके बाद जो हमारा डाटा है ना वो हम साइंटिफिकली उसको वैलिड डाटा कह सकते हैं क्योंकि वो बेस करता है फैक्ट्स के ऊपर तो ये जो है ये हम करते हैं फ्रीक्वेंसीज और कोरिलेशन की बेस के ऊपर अच्छा फिर हम आए थे रिलायबिलिटी एनालिसिस के ऊपर रिलायबिलिटी एनालिसिस बेसिकली आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिस्पोंडेंट जो आपके होते हैं हम ये एनालाइज करते हैं कि आपका डाटा रिलायबल कितना है अब रिलायबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने आज एक रिसर्च के रिस्पोंडेंट से आंसर्स लिए अगर आप एक महीने बाद दो महीने बाद तीन महीने बाद अगर आप वही क्वेश्चनर दोबारा एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या आपको सेम रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते तो इसका भी एक्सप्रिस के अंदर एक प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा फिर हम आ जाएंगे क्ले कि ये मीनस क्लस्टरिंग के ऊपर कि आपका जो डाटा है उसके कितने क्लस्टर्स आपस में बन रहे हैं इसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं बेसिकली ये जो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन है वो आपको ये बताता है कि, कि आपके डाटा में ग्रुप्स कितने क्रिएट हो रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन से बताऊँ करके बताऊँगा वर्कशॉप के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के हाथ के किस तरह से होते हैं फिर आपका डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन आया था ये बेसिकली बिजनेस में ज़्यादा यूज़ होता है बिजनेस साइकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर फिर आपकी ह्यूरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है कि आप उसमें एक डिसीजन ट्री बना लेते हैं कि आपका जो डिसीजन है कौन सा सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट और ऑप्टिमल रिजल्ट वाला डिसीजन है फिर आप एनालाइजिंग डेटा में जब आते हैं तो इसके अंदर हम बाई वेरिएट मल्टी वेरिएट टेक्निक्स यूज करते हैं फिर उसके अंदर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप का जो डेटा है वो किस टाइप का है अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था पहले कि इसके अंदर नॉमिनल डाटा होता है ऑर्डिनल डाटा होता है इंटरवल होता है रेशो होता है वो कौन सा डाटा का टाइप कौन सा है उसके बाद आप जो टेस्ट करना चाह रहे हैं वो कौन सा किस किस्म का टेस्ट है आया कि वो एसोसिएटिव टेस्ट है या वो प्रडिकटिव टेस्ट है या वो क्लासिफिकेशन के टेस्ट है फिर उसके मुताबिक आप एक अपना वो स्टिस्टिकल टेस्ट चूज करेंगे अपने डाटा के मुताबिक अच्छा फिर जो हम फाइनल लास्ट दो दिन में करेंगे वो हम करेंगे कि बिल्डिंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स ये इसके लिए हम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग यूज करते हैं और इसको हम एसपीस में करने के बजाय हम स्मार्ट पेलेस थ्री में करेंगे इसके अंदर आपका एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस आ जाता है इसके अंदर आपका कन्फर्मेटरी फैक्टर आ जाता है इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं फाइनली आपको फिर मैं ये भी बताऊंगा कि जब आपने एक दफा सारा एनालिसिस कर लिया है अपने डाटा को कलेक्ट कर लिया है उसके अंदर जो प्रॉपर मेथड से आपने फॉलो कर लिया आपने जो रिजल्ट हैं उनको एक्सपोर्ट किस तरह से करना है और ये अभी एक मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं आपको एक नया लिंक भी शेयर कर दूंगा तो आपने एक्सपोर्ट अपना रिजल्ट किस तरह से रिसर्च पेपर के अंदर करना है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा तो ये हमारा फर्स्ट थ्री डेज का एजेंडा होगा उसके बाद स्मार्ट पी एस एस स्मार्ट पी एल एस थ्री का मैं आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल भी दूंगा मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इसको हमने सेट करना है और डाटा इंपोर्ट करना है तो मैं अब ये मीटिंग ख़त्म करके आपको दोबारा एक नया जो है ना इन्वाइट भेजता हूँ तो आप काइंडली वो ज्वाइन कीजिएगा चलें ठीक है जी अच्छा लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले जब आपने रिसर्च अपनी स्टार्ट करनी है आपके जो सुपरवाइजर हैं उनको आपको थोड़ा गाइड किया होगा आपने कोई बुक्स पढ़ी होंगी या आपने कोई रिसर्च मैथडोलॉजी का कोर्स लिया होगा तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने अपनी रिसर्च करनी किसके ऊपर है मतलब कौन लोग हैं जिनसे आप रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है हम जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम है अनटिल अनलेस कि आप Uh, किसी ऐसे फील्ड के अंदर है जो एक्सपेरिमेंटल है जो नेचुरल साइंसिस की है जिसके अंदर मटेरियल्स को आपने स्टडी करना है ह्यूमन बींग्स के अलावा आई थिंक मोस्ट ऑफ आस हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सोशल साइंटिस्ट हैं uh, हमारा ताल्लुक ह्यूमन फील्ड्स के साथ है uh, तो हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट्स uh, होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें पॉपुलेशन करना पड़ता है जो नेचुरल साइंसिस में है केमिस्ट्री में है फिजिक्स में है मैथमेटिक्स में है स्टेटिस्टिक्स में है वो बेसिकली आइडियाज या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ रिसर्च करते हैं हम लोग पॉपुलेशन के साथ रिसर्च करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पॉपुलेशन पर रिसर्च करनी है पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने पॉपुलेशन लेनी कौन सी है आया कि आप अप्लाइड स्टडी कर रहे हैं किसी खास यूनिवर्सिटी की या किसी खास डिपार्टमेंट की या किसी खास हॉस्पिटल पॉपुलेशन की या किसी खास डिजीज uh, की तो उसके लिए आपने वो पॉपुलेशन डिफाइन करनी है फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमने कराची में रिसर्च करनी है तो उसके अंदर कराची की जो, जो सारी पॉपुलेशन है वो आ जाए अब फिर हम सेकेंड हमारा जो डिसीजन uh, पॉइंट है वो ये है कि आपका जो सैम्पल है वो कराची की पॉपुलेशन के रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता फॉर एग्जाम्पल कराची की पॉपुलेशन अगर सिक्सटी परसेंट फीमेल्स हैं और फोर्टी परसेंट मेल्स हैं और आपका जो सैंपल है उसके अंदर सेवेंटी परसेंट मेल्स हैं और थर्टी परसेंट हैं तो बेसिकली आपका जो पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा आपके सैम्पल uh, को आपके सैंपल के अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो तो आपका भी सिक्सटी परसेंट फीमेल्स होनी चाहिए या फोर्टी परसेंट मेल्स होने चाहिए जी डॉक्टर रबिया आपकी पॉपुलेशन कोई भी हो सकती है मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपकी कराची की पॉपुलेशन uh, है तो आप कराची की ले सकते हैं पिशावर की हैं तो पिशावर की इस्लामाबाद की लेकिन आपको उसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद में या पिशावर के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन है उसका कितने परसेंट मेल्स हैं कितने परसेंट फीमेल्स हैं उनके एज ग्रुप कौन से हैं मैं आपको अभी उसके डिफरेंट आइडियल और रियल रिसर्च सनारी तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बताता हूँ लेकिन आप एट वनसर जो क्वेश्चन आप कोई भी पॉपुलेशन ले सकती हैं अच्छा फिर इसके अंदर हमारे पास दो बेसिक टाइप्स के बड़े बड़े रिसर्च uh, की डिफ्रेंसीशन है ये आप लिख लें इन्फॉर्मेशन uh, वैसे ये वैसे आपकी जो वर्ड फाइल है ये आपके गूगल uh, ड्राइव के ऊपर भी अपलोडेड है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकती हैं लेकिन फॉर योर मेमरीज सेक अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको वो ज़्यादा याद रहेगा इसके नोट्स बना लें या किसी भी तरीके से इसका मेंटल नोट ले लें जी रहा मैं आपको सैम्पल uh, कैलकुलेशन का भी बताऊंगा उसके टूल्स वगैरह हैं uh, अगर आप uh, वो हमारी रिसर्च की फाइल देखेंगी तो उसके अंदर uh, जो है ना हमने वो ऐड किए हैं ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं तो मैं आपको बता दूँगा अच्छा अब आपने जो बेसिक टू डिफरेंट टाइप के स्टिस्टिक्स होते हैं वो एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टिस्टिक्स जिसके अंदर आपने सिंपली ये बताना होता है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया है फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि पिशावर के अंदर uh, जो स्ट्रोक से लोग फौत हो रहे हैं उनकी रेशो क्या है और उसकी रीजंस क्या है ये बेसिकली आपके अपेडीमियालॉजी में आ जाता है अब आप उसमें करेंगे कि क्या आप हॉस्पिटल से डाटा लेंगे कि अपने कितने टोटल पेशेंट्स का इनफ्लक्स है उसके बाद कितने परसेंट लोगों ने स्ट्रोक रिपोर्ट किया उसमें से कितने परसेंट लोगों की फैटिलिटी रेशो है अब आप उस रेशो को जो ना आप करेक्ट करेंगे टोटल पेशेंट्स के इनफ्लक्स की रेशो से फिर आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट लोग जो ना उनके रेट है स्ट्रोक की वजह से अच्छा फिर जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होंगे आप उनमें से ये देखेंगे कि इनका लाइफ किस किस्म का था इनकी पेशेंट हिस्ट्री क्या थी इनको इसके अलावा कोई मेंटल डिसऑर्डर्स तो नहीं थे कोई एपिलेप्सी तो नहीं थी आप पहले रूल आउट करेंगे आपका मेडिकल के अंदर एक प्रोसेस है बाकायदा रूलिंग आउट का कि आप किस तरह से बाकी सारे जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं आप उनको रूल रूल आउट करके उनके वाइटल्स वगैरह देख के आप कहेंगे कि हाँ इसको स्ट्रोक ही हुआ है और आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ये इंडिकेट कर रही हैं फिर आप एक कॉमन फैक्टर उसमें से निकालना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा स्ट्रोक को एक्सप्लेन कर रहा है ये हमारी जो आप हम एनालिसिस और वेरिएंस करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल है कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा कॉज कर रहा है वेरियंस रिजल्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जी नूर मैं आपको आज ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से करना है तो इन्फ्रेंशियल तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ एक्सप्लेन करता है जो है, इसके अंदर आपको प्रिडिक्ट भी करना होता है इसके अंदर हमारा रेगुलेशन एनालिसिस आ जाता है जो आपको ये बताता है कि अगर हम दो तो वेरिएबल सेट्स के अंदर को है तो इन फ्यूचर वो को क्या होगा आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है एक सिमुलेशन होता है जिसको कहते हैं मॉन्टिक कार्लो सिमुलेशन उसके अंदर आप जो अपने प्रडिक्शन है कि स्टॉक प्राइसेस कितना इंक्रीज करेंगी या कितना लो जाएंगी आ, इनका फ्यूचर ट्रेंड किस किस्म का होगा ये आप पास डाटा के बेस के ऊपर आप फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हैं और मॉडल्स इस किस्म के होते हैं कि वह अपने आप को ऑटो करेक्ट करते रहते हैं जिस तरह उनके पास मोर इन्फॉर्मेशन आती रहती है वो अपनो एल्गोरिदम में उसको अकोमोडेट करते रहते हैं बेसिकली एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको ब्रीफली आप ये याद रख लें

हम जो सोशल साइंसिस के अंदर यूज करते हैं एनालिसिस वो बेसिकली हम नॉन पैराम डाटा यूज़ करते हैं अच्छा so या मैं आपको डिफरेंस बता दूँ पैरामेट्रिक डाटा वो होता है जो क्वान्टिटिव डाटा होता है जैसे टेम्परेचर है पल्स uh, रेट है या हार्ट रेट है जो प्योर नंबर्स के अंदर कैलकुलेट हो सकता है हम उसको क्वान्टिटेटिव डाटा कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा ये होता है कि जिसके हम हम लोगों का ओपिनियन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लिकेट स्केल है अगर मैं आपसे पूछूँ Uh, कि आपको बिरयानी तो स्केल के ऊपर कितनी ज्यादा पसंद है तो so ये जो डाटा है ये ये आपका जो जो प्रेफरेंस है, जो प्रेफरेंस है है measure है है इसको करता अब कोई तो नहीं आपको बिरयानी को अगर आपको फाइव उसको करते हैं तो फाइव कोई नंबर तो नहीं है फाइव बेसिकली आपकी प्रेफरेंस है कि यू लाइक बिरयानी तो इस किस्म का जो डाटा होता है जो ये मेजर कर रहा होता है uh,

एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है एक्सपेरिमेंटल uh, डिजाइन हम साइकोलॉजी uh, और मेडिसिन में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आप सैकेट्री uh, uh, में मेजर uh, करना है कि जो सी टी हैं या आपके जो पेट स्कैन हैं उनके अंदर कोई कॉमन कॉमन क्या है जिससे हम प्रेक्ट कर सकें कि किसी uh, बंदे को कोई स्पेसिफिक न्यूरो साइकोलॉजिकल इशू है तो ये जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आ जाएगा जिसके अंदर आप कॉन्टिटेटिव डाटा मेजर कर रहे हैं सोशल साइंस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसके अंदर हम आ, लोगों की जो प्रेफरेंसेज हैं वो हम नोट करते हैं उसके लिए हम एक क्लिक स्केल यूज़ करते हैं बिटवीन वन टू फाइव अब इसके अंदर डिफरेंट स्केल होते हैं वन टू सेवन भी होता है वन टू टेन भी होता है ये डिपेंड करता है कि आप आ, कौन सा स्केल यूज़ करना चाह रहे हैं अच्छा अब आप आ जाएं रियल और आइडियल रिसर्च में थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक तो आइडियल सिचुएशन है जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद पिशावर की पॉपुलेशन लेना चाह रहे हैं ठीक है उस पॉपुलेशन के सिक्सटी परसेंट होनी चाहिए फीमेल या फोर्टी परसेंट मेल होने चाहिए ये फॉर एग्जाम्पल उसका पॉपुलेशन का रेशो है डेमोग्राफिक रेशो है लेकिन आइडियल सिचुएशन में जिन लोगों से आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो जहरी बात आप अपनी क्लास से करेंगे या किसी खास पेशेंट से करेंगे अब उसके अंदर तो आप एक रेशो नहीं रख सकते ना कि आप किसी को निकाल दें किसी को ऐड कर लें या आपने नेचुरली आपके पास पेशेंट्स काम आते हैं फॉर एग्जांपल कुछ डिजीजेज हैं वो स्पेसिफिकली फीमेल्स की होती हैं कुछ स्पेसिफिकली मेल्स की होती हैं उसके अंदर तो आप नॉर्मेलिटी नहीं रख सकते तो इसको डिफरेंस डि कहते हैं आइडियल और रियल रिसर्च सिने के अंदर इसके अंदर आपका एज फैक्टर आ जाते हैं फिर डिफरेंट जेंडर्स आ जाते हैं रिलीजन लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं एजुकेशन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं तो इसके अंदर जो है ना हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको आइडियल रिसर्च सिचुएशन कभी भी नहीं मिलेगी आपको रियल सिचुएशन के अंदर उसके अंदर डील करना होगा अब रियल सिचुएशन के अंदर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास डाटा आता है, अगर वो स्क्यूड है अगर वो राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के अंदर नॉर्मल बेल कर्व के अंदर फिर उसके बाद हम उसके बाद स्टेटिस्टिकल एनालिसिस रन करेंगे और फिर हम उसको रिकॉर्ड वापस करेंगे आ, उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर अच्छा अब आ जाएं बेसिक मेजरमेंट लेवल्स के ऊपर तो ये मैं आपको बता रहा था ये मैंने आपको तस्करा किया था कि लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अब आ जाए इन चार के ऊपर अच्छा अब चार कैटेगरीज ये आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके डाटा की ये चार कैटेगरीज होती हैं। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डाटा कौन सी कैटेगरी का है। ये जब जहाँ पे कहता है कि मेजरमेंट का जो टाइप्स हैं ये कौन सी होनी चाहिए तो टाइप्स यही चार चार टाइप्स हैं तो इनको आप जहर नशीन कर लें कि के फर्स्ट कैटेगरी जो आपके नॉमिनल नॉमिनिकल का बेसिकली मतलब होता है नेम ठीक है नेम जो है ना वो बेसिकली इसका ही फॉर्म है नॉमिनल अगर तो आपकी कैटेगरी का कोई नाम है जैसे मेल है फीमेल है ब्लू है रेड है ऑरेंज है तो ये जो नाम वाली कैटेगरी आती है इनको हम कहते हैं नॉमिनल कैटेगरीज और ये आती है नॉन पैरामेट्रिक के अंदर वे मैंने आपको डिफरेंस बताया था पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के अंदर पैरामेट्रिक इज बेसिकली क्वान्टेटिव एंड नॉन पैरामेट्रिक इज क्वालिटेटिव तो जो मेल एंड फीमेल है इनको आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब मेल को आप कोई नंबर नहीं दे सकते फीमेल को आप कोई नंबर नहीं दे सकते दीज आर डिस्टिंगल नॉमिनल कैटेगरी करते हैं तो हम इसको पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर उसके बाद हम इसके ऊपर नॉन टेक्निक यूज करते हैं अब ये याद रख लें नेम नॉमिनल मेल फीमेल ठीक हो गया अब आप आ जाए ऑर्डिनल के अंदर ऑर्डिनल बेसिकली होता है ऑर्डर ऐसी चीज़ें या ऐसी कैटेगरीज जिनको आप ऑर्डर में डाल सकें उनको हम ऑर्डिनल कैटेगरी कहते हैं जैसे लार्ज मीडियम स्मॉल ये जो कैटेगरीज में आती हैं इनको हम ऑर्डिनल कहते हैं अच्छा ये बात और याद रखें कि ये दोनों नॉमिनल ऑर्डिनल इनको हम कैटेगोरिकल कहते हैं कि ये इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं मेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी लार्ज कैटेगरी मीडियम कैटेगरी स्मॉल कैटेगरी तो जो भी चीज़ें कैटेगरी में आ सकती हैं वो हम उनको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कहते हैं तो ये ना हो कहीं पे आप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स देखें तो आप परेशान हो तो हमने पढ़ा ही नहीं है जो दूसरी दो हैं वो नॉन कैटेगोरिकल इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अच्छा अब आप आ जाए इंटरवल के अंदर इंटरवल यहाँ पे तो आपने देखा था ना कि एक कैटेगरी में एक ही वेरिएबल है मेल है या फीमेल है या मीडियम है या लार्ज है इसके अंदर बजाय कि एक वेरिएबल हो इसके अंदर एक रेंज होती है पूरी जैसे आप किसी का एज साइज जो है ना आप करना चाह रहे हैं कि कौन सा जो एज ब्रैकेट है उसके अंदर स्लीप डिसऑर्डर्स की क्या टेंडेंसी है फॉर एग्जांपल आप 13 टू 18 ले लेते हैं फिर 18 टू 29 ले लेते हैं फिर 30 टू 55 ले लेते हैं ये जो कैटेगरी का इंटरवल है ना इस इंटरवल को जब जब जिस रिसर्च में आप यूज करेंगे इसको हम इंटरवल कहते हैं अब आप फॉर एग्जाम्पल सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर आप जो बिलो टेन के है उसको वन से डिनोट कर देंगे टेन टू ट्वेंटी है इसको हम टू ट्रांसफॉर्म कर देंगे टू में ट्वेंटी टू थर्टी इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे थ्री के अंदर तो फिर इसके ऊपर हम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस रन करेंगे ठीक होगा जी इंटरवल जो दो रेंजेस के दरमियान हो उसको हम कहते हैं इंटरवल अब आप आ जाए स्केल के ऊपर जो सबसे आइडियल रिसर्च होती है जो ज्यादातर आपको मिलेगी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर उसके अंदर जो ना हम उसको हम रेशो कहते हैं जिसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर हो इसके अंदर टेम्परेचर आ जाएगा इसके अंदर स्पीड uh, आ जाएगी इसके अंदर कैलकुलेशंस uh, आ जाएंगी जो आइडियल नंबर हो जो सिर्फ एक नंबर से डिनोट हो सके उसको हम रेशो कहते हैं और इन दोनों को इंटरवल और रेशो को हम कभी कंबाइन uh, uh, करके हम इसको स्केल uh, वैल्यूज भी कहते हैं Uh, जी सुमेरा इसको हम इक्वल uh, भी ले सकते हैं और अन भी ले सकते हैं जी डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि वो कैटेगराइज किस तरह से कर हैं उसके लिए आपके पास गुड इनफ रीजन होनी चाहिए कि आपका जो एज ग्रुप है या जो आपका इंटरव्यू ग्रुप है वो बेसिकली जो फिनोमेना आप ऑब्जर्व करिए उसके मुताबिक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वीडियो गेम्स का इम्पेक्ट मेजर uh, करना है लोगों के ऊपर के वो उनको ज़्यादा वॉयेंट करती हैं या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है या नेगेटिव इम्पेक्ट है तो आप डिफरेंट उसके इंटरवल्स बना लेंगी अब जाहिर ये बात है कि आप उसका इंटरवल सिक्सटी टू सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री टू सिक्सटी फाइव याट तो नहीं बनाएंगी ना क्योंकि सिक्सटी साल से जो अबव अब हैं उनको वीडियो के में जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव भी कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन अगर आप यंगर एज हैं उसके अंदर आप 13 टू 18 का अल्हदा देखें 19 टू 25 फाइव का लादा देखें शॉर्टर इंटरवल्स रखें जो जिसके अंदर जो ना ह्यूमन पर्सनैलिटी चेंज होती है टीन एज से बंदा में आता है फिर एडोलैसेंस से आगे अडल्ट में आता है तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ज़्यादा स्मॉल होने चाहिए तो जिससे आपका इंटरवल जो है ना बेसिकली आपके फिनोमिना को सही तरह से मेजर कर सके इसके अंदर और भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं लेकिन बेसिक इसका जो डेफिनेशन है वो यही है अच्छा अब आपने इनको मेजर किस तरह से करना है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल सबसे पहले तो मेल एंड फीमेल को आप कैटेगराइज करते हैं वन और टू के अंदर आप मेल को वन कह लेते हैं फीमेल को टू कह लेते हैं ठीक हो गया ऑर्डिनल के अंदर आप ये करते हैं कि इनको आप क्वान्टिफाई कर लेते हैं लार्ज को अगर वन कह लिया मीडियम को टू कह लिया और स्मॉल को थ्री कह लिए इस तरह से हो गया ठीक हो गया जी अब जो हमारा इंटरवल है उसको भी हम इस तरह से करते हैं कि अगर सैलरीज को हम कैलकुलेट करें तो टेन के से बिलो जो है उनको हम आपको मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ तो हमारा जो है, जिसके आप देते हैं, अभी जो हमारा रिसेंटली वो चल रहा है वो ये अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो चार लाख से कम है तो आप जो उस टैक्स में है, जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता अगर आप फोर लाख से ज्यादा आपकी एनुअल इनकम है तब आप नेक्स्ट सैलरी ब्रैकेट में आते हैं फिर आपकी परसेंटेज स्टार्ट होती है द मोर यू अर्न द मोर यू गोइंग टू पे द टैक्स इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम्स ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर यही टैक्सेशन सिस्टम यूज़ होता है तो उनको उन्होंने इस तरह से स्लैब्स बनाई हुए हैं तो बेसिकली वो भी एक इंटरवल्स हैं uh, अगर हम उनको रिसर्च टर्म्स के अंदर देखें तो वो एक इंटरवल है uh, और हर इंटरवल के ऊपर डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं जो इनके अंदर वाद डाटा है जिसको हमें ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता एज़ इट इज़ हम लिख देते हैं वो हमारा है रेशो का डाटा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे फॉर एग्जांपल हम ऐज और ये नंबर ऑफ़ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टेम्परेचर इस टाइप की चीज़ें लिख लेंगे और उसके बाद हम उनका जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं वो हम नोट कर लेंगे और फिर उनके ऊपर हम एनालिसिस वगैरह दान करेंगे देखेंगे, 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 kertosis, देखेंगे। ठीक है तकरीबन तमाम टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके जो नॉर्मैलिटी कर्व है वो होनी चाहिए डाटा एक्सट्रीमली स्क्यू नहीं होना चाहिए इसकी भी रेंज है मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ किस तरह से होती है स्टेटिस्टिकल uh, टेस्ट के अंदर जो पैरामेट्रिक टेस्ट स्क्वायर anova p snr डिफरेंट टेस्ट हैं ये आप थोड़ा इसमें से देख लीजिएगा इस फाइल के अंदर से ये आपके google क्लासरूम के अंदर अपलोड हुई हुई है जी सारा हम ये जो है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी तो ये आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर और कौन कौन से टॉपिक्स हैं अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि आप टेस्ट को आपने क्लासिफाई किस तरह से करना है ठीक हो गया जी अब किसी का कोई क्वेश्चन है इस वक्त यूनिवेरिएट वेरिएबल्स के बारे में या बायरिएट या सैंपल या डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशल अभी तक किसी ने आ, जो कुछ आ, हमने अभी पढ़ा है इसका किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में एक आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा आ, जो सैंपल डाटा है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है बेसिकली इसके दो मैथड्स होते हैं एक तो आप अपना टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज निकालते हैं और दूसरा आप जो क्वेश्चन है उनसे ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जो जनरल रिकमेंडेड होता है एसपेस एनालिसिस के लिए उसके अंदर हम कहते हैं कि आपको हर क्वेश्चन के अगेंस्ट एटलीस्ट फाइव टू टेन रिस्पॉन्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन है उसके अंदर थर्टी क्वेश्चन हैं तो आपको बिटवीन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड रिस्पॉन्स उसके लिए चाहिए होते हैं तो ये हमारा जो ना दो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए किसी का कोई क्वेश्चन हो बिफोर वी प्रोसीड सबसे पहले आ जाए यूनिवेट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं बल्कि आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इसका एक्सेल के अंदर भी किस तरह से होता है वे जो हम डमी डाटा यूज करेंगे के लिए अंदर, वो मैंने गूगल आपके क्लासरूम के फोल्डर के अंदर रख दी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जो मेरी एक रिसर्च है पाकिस्तान में मैंने फर्स्ट टाइम में लेके आया हूँ बिग फाइव टेस्ट को हमने ट्रांसलेट किया है उर्दू के अंदर वो आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं बेसिकली हम बेसिकली डाटा हम उसमें से यूज़ करें ये हमारी वेबसाइट है जी आप सबको अगर नज़र आ रही हो बिग फाइव न्यू आई पी हमारे इसके अंदर थ्री हंड्रेड आइटम्स हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कम्प्लीट किया है डॉक्टर मसूद नदीम के साथ इसके अलावा Uh, और हमारी कोलेब्रेशन हैं और अभी इसके ऊपर मैं रिसर्च पेपर भी लिख रहा हूँ अभी uh, डॉक्टर जॉनसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलिया के प्रोफेसर हैं तो ये हमारा एक टेस्ट uh, है uh, जिसके अंदर हम बिग फाइव मॉडल को लेते हैं इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली uh, आपकी जो पर्सनैलिटी है बेसिकली वो फाइव डिफरेंट तरीक़े से uh, मुख्तल होती है तमाम अद, uh, दूसरे लोगों के साथ जिसके अंदर आपके फैक्टर्स हैं ओपननेस कॉन्सेंशियसनेस एक्स्ट्रावर्जन एग्रीएबलनेस एंड नॉट और हर इस डोमेन का आगे से छह अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं जो तो हमारे पास डाटा है वो हमने कैलकुलेट किया है हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ रिस्पॉन्स की मदद से जो हमारे पास हैं तो वो डाटा हम यूज़ करेंगे uh, इसके एनालिसिस के अंदर तो वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आप अपने स्पेस में लोड भी कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूज़ करना है uh, तो अब आ जाए आप जूनी ये मैं आपको एक्सेल की फाइल शेयर करता ये मैंने ओपन की हुई है पहले से ही ये देखें ये अब मैंने आपको बताया था जिस तरह से नई फाइल देख रहे हैं सारे

टाइप uh, है वेरिएबल का वह स्केल और यहाँ पे नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ केसेस होते हैं इसको आप रिस्पोंडेंट भी कह लें जैसे अगर एक uh, इंसान ने आपका फिल uh, किया तो वो केस नंबर वन हो जाएगा फिर जितने भी आपके पार्टिसिपेंट वो हो जाएंगे ठीक है इसको हम कहते हैं एनालिसिस अच्छा इसके ऊपर जो हम बेसिकली टेस्ट रन करते हैं वो हम यूनिवेरिया टेस्ट रन करते हैं जिसके अंदर मीन्स हैं Uh, इसके अंदर मीडियम है इसके अंदर रेंज आ जाती है मैक्सिमम uh, और uh, मिनिमम लेवल आ जाती है अच्छा अब आपने जो टेस्ट इसके ऊपर रन करना है वो डिपेंड करता है आपकी uh, डाटा टाइप के ऊपर मैंने आपको बताया था डिफरेंट uh, डेटास के अंदर कैटेगोरिकल मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं किसी को याद है जी वेरी गुड नॉमिनल ऑर्डिनल हमारे पास जो है ना इनकी कंबाइंड जो क्लासिफिकेशन है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल वेरिएबल्स के अंदर आती है अब इसके अंदर हमारे पास दो हैं अब आप ये वर्ड देख कर परेशान हो जाए आपने पहले नहीं देखा डाइकोटमिस का मतलब होता है जिस जो दो चीज़ों में डिवाइड हो सके जैसे मेल्स और फीमेल्स ब्लैक और वाइट जिसके दो कैटेगरीज हैं उसको हम डाइकोटमिज कहते हैं तो यहाँ पर जो ना नॉमिनल और डाइकोटमिस एक ही चीज़ है अगर तो आपके जो वेरिएबल्स हैं जिनको हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो डायकोटमस हैं ठीक है जी थी। उसके लिए जो आप टेस्ट यूज़ करेंगे वो है बाईन टेस्ट एजी टेस्ट फॉर वन प्रपोर्शन अब इसकी डिटेल मैं, मैं अभी नहीं जाऊंगा मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिफरेंट आपने वेरिएबल्स को मेजर किस तरह से करना है अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है तो आपने उसके ऊपर टेस्ट कौन सा यूज़ करना है अच्छा अब अगर वो कैटेगोरिकल के लिए हैं जिसने मैंने आपको बताया था बिग मीडियम स्मॉल उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो कैस के गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है जी मैं लिंक क्लियर कर आ, कर देता हूं वैसे तो इसके ऊपर तो भी लिखा होगा अच्छा जी कैटेगोरिकल के अंदर आपके पास गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट आ जाएगा फिर अगर आपका जो आ, स्केल वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर आपके पास इंटरवल और रेशियो आ जाता है वो आपके पास हैं तो उसके अंदर आप आ, अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वन सैम्पल टी टेस्ट कर लेंगे मीडियन करना चाह रहे हैं तो साइन टेस्ट पर वन मीडियन कर लेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का करना चाह रहे हैं तो गोलमेगोरऑफ टेस्ट है इसके अंदर टेस्ट है ये सब डिपेंड करता है तो जिस तरह मैंने आपको बताया था ना दूसरे फाइल के अंदर यानी आपको इसी वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे ताकि आपको आगे से मसला ना हो आपने सबसे पहले ये देखना कि आपका जो है टाइप्स कौन से हैं वेरिएबल्स की चार टाइप्स मैंने आपको बताई थी वो आपको जबानी याद होनी चाहिए और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आप करना क्या चाह रहे हैं उसके साथ जब आपको ये दोनों चीज़ें पती हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको टेस्ट यूज कौन सा करना है यहाँ पे देखें मेजरमेंट लेवल आपको उन चार चीज़ों का पता है कि आपने आपका जो डाटा है वो किस टाइप का है उसके बाद आपने उसके टेस्ट किस तरह से करना यूनिवेरिएट है तो उसके साथ आपने ये टेस्ट करने हैं बायेरियट और मल्टी वेरिएट है उसके लिए डिफरेंट करने हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ अब आ जाए आप विद इन सब्जेक्ट टेस्ट के ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ले लें उसके तीन पेपर्स हैं एक समझ लें आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है क्लिनिकल साइकोलॉजी का पेपर है एक एपिडेमियोलॉजी का पेपर है और उसके अंदर आपने उनका स्कोर्स देखने हैं कि तीन स्कोर्स कौन से हैं अब यहाँ आउटकम वन में हम एबनॉर्मल ले लेते हैं फिर यहाँ पे क्लिनिकल ले लेते हैं और फिर यहाँ पे हम एपिडेमियोलॉजी लेते हैं उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पाँच स्टूडेंट्स हैं उनके हमने ना इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोर लिख लिए अच्छा जब हमारे पास ना डिफरेंट स्कोर्स आ गए और ये जो हमारे आउटकम्स हैं ये क्वांटिटेटिव हैं आपको मैंने बताया था कि जो numbers के अंदर चीज कैलकुलेट हो सकती है वो हमारे पास quantitative आ जाएगा ठीक है अब हमारे पास वेरिएबल्स इसके अंदर कितने हैं तीन वेरिएबल्स हैं लेकिन ये तीनों वेरिएबल्स कनेक्ट किस चीज से करते हैं ये किस शख्स का स्कोर है ये तीन सब्जेक्ट के अंदर अब अगर मैं फिफ्थ केस लेता हूं तो ये एक ही स्टूडेंट है ना जिसके तीन सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट स्कोर्स हैं तो जब आप एक ही शख्स के अंदर विद इन सब्जेक्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंट स्कोर्स और उनके ऊपर आप एनालिसिस रन करेंगे तो उसको हम कहते हैं विद इन सब्जेक्ट टेस्ट ठीक है इसके अंदर टू या टू से ज्यादा वेरिएबल्स आपके पास होने चाहिए और इसको हम कहते हैं बाय वेरियट एनालिसिस ठीक हो गया जी बायरियट एनालिसिस का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जो एक ही शख्स के स्कोर्स हैं तो विद इन सब्जेक्ट के अंदर फिर जो हमने टेस्ट यूज करने वो हम एसपी में जाएंगे आपको उसका इंटरफेस भी दिखाता हूँ लेकिन वो आपको मिलेंगे कहां पे वो एनालाइज में जाके अपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जाना है और आगे फिर लेगेसी डायलॉग्स में जाके ये आपने इसमें से सिलेक्ट करने हैं टेस्ट ठीक है।, तो है फिर आपके पास यहाँ वन सैंपल है फिर इंडिपेंडेंट हैं ये मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा इसको हम पेड़ सैंपल टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये सारे जो स्कोर्स हैं ये पेयर कर रहे हैं एक ही शख्स के साथ ये कोई डिफरेंट स्टूडेंट्स नहीं है जिनके हम आपस में रिजल्ट रहे हैं ये एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के स्कोर हैं ठीक है हो गया अब आ जाए आप इनका टाइप्स कौन से हैं ठीक है अगर तो आप कैटेगोरिकल डाटा यूज करें अब मैंने आपको uh, का बताया था कि नॉमिनल होता है दो वेरिएबल्स हैं मिक टेस्ट यूज़ करेंगे आप दो से ज़्यादा हैं कॉकरन क्यू टेस्ट यूज करेंगे ऑर्डिनल है आप विल्क्स टेस्ट यूज करेंगे फॉर टू वेरिएबल्स हैं उससे ज्यादा हैं फ्रीडमेंट टेस्ट यूज करेंगे क्वांटिटेटिव के अंदर पेड सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे और रिपीटेड मेजर्स ऑफ एनोवा यूज करेंगे अगर तीन वेरिएबल्स से ज्यादा है ठीक हो गया जी तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि बेसिकली आपको दो चीजें होनी चाहिए बेसिकली जो टेस्ट हैं ये इन वेरिएबल्स को आपस में क्रॉस मैच uh, करने के लिए इसके आप मीडियम कैलकुलेट करते, करते हैं आप इनकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं आप इनके स्क्यूनेस और कर्टोसिस चेक कर सकते हैं जी, मैं आपको भी सारा बताने लगा हूँ कि इन टेस्ट का जो है ना आपको कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ होते कौन कौन से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ कि फर्स्ट मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं नॉमिनल इंटरवल एंड रेशो कौन कौन से होते हैं फिर उसके बाद आपको पास जब ये चारों टाइप्स आ गए फिर आपने ये देखना की आपने वो अप्लाई किसके ऊपर करना है आपने विद इन सब्जेक्ट करना है आपका यूनिवेरियट है बाईवियट है या मल्टी वेरियट है जब आपको टाइप्स पता चल जाएंगी और मेजरमेंट का आपको लेवल पता चल जाएगा फिर आपको ये टेस्ट अगर आपने कैलकुलेट करने हैं मीन्स मीडियम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं

डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है वो मैंने एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा नॉर्मेलिटी कर्व के बारे में बताया है यूनिवेरिएट वेरिएट बाई वेरिएट और मल्टी वेरियट एनालिसिस के बारे में बताया है रिसर्च पेपर की राइटिंग के बारे में बताया है uh, ये जो आप इस वक्त फाइल देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर ये गूगल क्लासरूम के अंदर भी है आपके फोल्डर के अंदर तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके कर कर देख सकती हैं uh, एक प्रेजेंटेशन है रिसर्च मेथोडोलॉजी की वो भी उसी फोल्डर में आप वो डाउनलोड करके कर कर देख सकती हैं uh, एंड डेट्स फॉर समॉर एवरी वन आल्सो कि हमारे पास एक बुक भी है जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं बैक ऑफ बॉर्नर की बुक है बाई वेरियड टू मल्टी वेरियड एनालिसिस वो मैंने बुक भी अपलोड की हुई है ग्रूप के अंदर तो वो भी अवेलेबल है आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इन डिटेल पढ़ सकती हैं इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सोबैया अगर आपके पास सिर्फ मेल पार्टिसिपेंट है तो उसको आपको अनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर आप सिर्फ फ्रिक्वेंसी देख सकती हैं एज ग्रुप वाइज देख सकती हैं आप सिर्फ उसी ग्रुप को एनालाइज uh, करेंगे या ग्रुप वाइज स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस रन उसके ऊपर करेंगे जिसके अंदर कोई डाइटमी हो या जिसके अंदर आप डिफरेंट आउटपुट्स uh, देखना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिकल रिग्रेशन एक सबसे ज़्यादा एपिडीमियोलॉजी के अंदर यूज़ होती है उसके अंदर हम ये आउटकम देखना चाह रहे होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स का कि मरीज सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा तो उसके अंदर हमारी जो आउटपुट होते हैं वो अलाइव या डेड होती है तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी हो तो फिर तो हमारे पास सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जान करने का कोई मकसद ही नहीं होता ना तो आपके पास जब दो कैटेगरीज हों आप तभी उस टेस्ट को यूज़ करेंगे जी रहा के बेसिकली आप कर कह सकती हैं कि आप दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको आपस में जो है ना मर्ज कर सकती हैं लेकिन उनका आपने जो है ग्रुप मीन्स अलग से कैलकुलेट करने होंगे और आपने ये इंश्योर करना होगा कि जो बाकी डेमोग्राफिक्स हैं वो सारी सेम है ये आई थिंक आपका जो पर्सनल जो रिसर्च का है ये मैं आपसे वन टू वन सेशन um, uh, कर सकता हूँ आप उसमा से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा uh, ये मैं आपको जो है आपकी रिसर्च के स्पेसिफिक हवाले से बताऊँगा अभी हम थोड़ा जनरल देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको जो है ना ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा uh, आपको मैं स्टेटिसकल एनालिसिस में भी हेल्प कर दूंगा अच्छा जी अब आप आ जाए हमारे बिटवीन सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि तीन ग्रुप्स हैं इनको अगर आपने मीन कैलकुलेट करना है और ये पार्सली आपके क्वेश्चन का भी आंसर है कि अगर आपके पास

तो उसके लिए आप जो जी टेस्ट चूज करेंगे परेशान नहीं होना ये नाम, uh, uh, ने हैं, uh, हैं। आपने बस ये करना है कि आपके पास नंबर ऑफ uh, वो कितनी है वेरिएबल्स uh, कितने है और उनकी टाइप कौन सी है जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद कोई टेस्ट कोई मसला नहीं है वो मैं आपको में सारे शो कर दूंगा कि किस तरह से करना है अच्छा अब जो क्वेश्चन था आई थिंक सारा का क्वेश्चन था आई थिंक वो उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमें किया और ठीक सारा का क्वेश्चन था कि ये इन दो आ, टेस्ट इन टेस्ट वगैरह का मतलब क्या है कि हमारे पास किस किस के टेस्ट होते हैं हमें ये पता चल कैसे चलेगा कि टू रन दिस एनालिसिस ये आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं आपने उसको ये चेक करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू का दूसरे वेरिएबल के पे वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होगा तो उनका जो आपस में को है ना उसको हम कहते हैं मेजर कि वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इसकी मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट एग्जाम्पल्स बेसिकली जो हमारे पास पैरामेट्रिक के सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके हम यूज करते हैं इसके लिए उसको हम कहते हैं पेयरस एंड को रिलेशन जहाँ पे अब आप डिफरेंट ग्राफ्स देख रहे हैं इसको बेसिकली ग्राफ कहते हैं आपके पास एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ठीक हो गया इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज उन्होंने प्लॉट की हुई हैं डिफरेंट की फॉर अगर आप इस वैल्यू को देख लें यहाँ पे आई थिंक ये हंड्रेड इसकी एक्स वैल्यू है और अराउंड लेट से नाइनटी इसकी वैल्यू है वाई वैल्यू तो ये इसको जो वैल्यूज होती हैं उनको बाई वेरिएट यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं ठीक हो गए अब कोरिलेशन का मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि दो वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे ठीक हो गया जी सबसे ज्यादा कोरिलेशन कोरिलेशन होता है बिटवीन वन टू माइनस वन ये हमेशा आपने रेंज याद रखनी है वन टू माइनस वन किसी भी टेस्ट करने ये रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनस का जो साइन होता है वो इसका मतलब होता है कि वो आपस में नेगेटिवली कोरिलेट कर रहे हैं अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू कम होगी पॉजिटिव का मकसद ये होता है कि दोनों वेरिएबल्स कट्ठे साथ साथ चल रहे हैं अगर नेगेटिव वैल्यू जा रही है तो दोनों नेगेटिव में जाएंगे अगर पॉजिटिव में जा रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव में साथ साथ चलेंगे दोनों की वैल्यू साथ ही इंक्रीज होगी जो परफेक्ट कोरिलेशन होता है कि अपना एग्जैक्ट सेम वैल्यूज आगे आगे जा रही हैं उनको हम कहते हैं वन उसकी वैल्यू होती है वन और जो उसकी शेप होती है वन की वैल्यू की वो इस तरह से होती है ये पॉइंट नाइन है तकरीबन आप इसको वन ही समझ लें इसकी वैल्यू इस राइट साइड पे डायरेक्शन में होती है और अपवर्ड्स होती है इस तरह से रन हो रहा होता है ठीक है अच्छा अब आप इसकी फाइव के देख लें। ये, अम, सेंटर के हुआ हुआ पॉइंट सेवन में देख लें एग्जैक्टली इस तरह से है लेकिन थोड़ा सा स्केटर्ड हुआ, हुआ है पॉजिटिव और की और पॉइंट थ्री की वैल्यू देख लें ये अपना कॉर्नर हुआ 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 के अंदर राइट कॉर्नर के अंदर और पॉइंट वन बहुत जो ना वीक कोरिलेशन है या ऑलमोस्ट न्यूट्रल है तो वो हर तरफ स्केटर हुआ थे आपको पता नहीं चलता कौन सा अच्छा आप नेगेटिव वैल्यू की तरफ आ जाए नेगेटिव वैल्यू जो आपकी स्क्यूड होती है ये होती है अपोजिट डायरेक्शन में ये देखें ना पॉजिटिव आपकी हो रही थी राइट right साइड के ऊपर डायगनल ये लेफ्ट साइड के ऊपर डायगनल हो रही है पॉइंट एट मतलब तो इसका यही होना चाहिए ना कि अगर पॉजिटिव है तो और नेगेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट नाइन में जा रहा है और नेगेटिव पॉइंट एट के अंदर जा रहा है तो इसको हम कहते हैं को और एसोसिएशन टेस्ट इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेजर्स हैं को के पी जो हम क्वानिटिव के लिए यूज करते हैं जो तो, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हों दो बल्कि हों क्योंकि ये जो प्लॉट है ये दो वेरिएबल्स का तीन के हो तो फिर डिफरेंट डायमेंशनल प्लॉट्स आ जाते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा अच्छा अब आ जाए डिफरेंट टेस्ट एसोसिएशन मेजर्स के लिए ये सारा आपका आंसर है इसका एक टेबल है पूरा जिसके अंदर आपने सबसे पहले ये डिटर्मिन करना है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी टाइप कौन सी है ऑर्डिनल है नॉमिनल है क्वांटिटेटिव है ठीक हो गया और जो दूसरा वेरिएबल वो कौन सा है फॉर एग्जांपल यहां पे आपने देखा था ये एक वाई वैल्यू है और एक एक्स वैल्यू है ठीक हो गया जी अब यहाँ दोनों तरफ टाइप लिखी हुई है अब आपके अगर क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स हैं दोनों एक्स वाला भी और वाई वाला भी टेस्ट कौन सा आप यूज करेंगे ठीक हो गया एक वेरिएबल आपका क्वान्टिटेटिव है दूसरा वेरिएबल ऑर्डिनल है उसके लिए आपके पास जो टेस्ट है वो स्पेयरमैन कोरिलेशन कैंडल स्टाव है पोलिकॉरिक कोरिलेशन है ये डिपेंड करता है कौन सा आपने टेस्ट यूज करना है आपके स्पेसिफिक रिसर्च के ऊपर इसका अगर आपने डिटेल से पढ़ना है तो मैं आपको बुक मैंने आपको बता दी है वो मैंने अपलोड की हुई है गूगल क्लासरूम में तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिबेका रेबेकर की बुक है एनालिसिस। um, अच्छा अब एक वेरिएबल अगर आपका नॉमिनल है, है तो उसके लिए बताया था मेल और फीमेल डायकोटमस होता है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्वानिटेटिव है इसके लिए आप यूज करेंगे पॉइंट बाइसी बाइसी ये दो टेस्ट ठीक हो गया जी इसी तरह ये डिफरेंट आपने ये चार्ट देखना है कि आपके वेरिएबल्स कौन से है कौन से टाइप के हैं और उनकी मेजरमेंट लेवल के और फिर आपने वो टेस्ट चूज करना है टेस्ट रन करना कोई मसला नहीं है ये मैं आपको एक रिसर्च मेरे कई स्टूडेंट मैंने सुपरवाइज किए हैं सो कि मेरे पास दो पीएचडी के स्टूडेंट भी हैं मैंने एम फिल की भी रिसर्च करवाई है मैंने इंटरनेशनल पेपर्स में भी किया जो है जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक चीज है स्टूडेंट्स के लिए वो ये नहीं होती कि टेस्ट कौन सा रन करना है टेस्ट रन करना इसी तरह से है जिस आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर के बटन दबाना प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने वो टेस्ट चूज़ किया भी है या नहीं किया ये तो नहीं है कि आप पैरामेट्रिक के टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक के ऊपर यूज़ कर रहे हैं आप ऑर्डिन वाले रिजल्ट आप डाकोटमिक्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं आप नॉमिनल वाले टेस्ट क्वान के ऊपर यूज़ कर रहे हैं अगर आपका जो मेथडोलॉजी है आपकी जो फ्रेमवर्क है और जो टेस्ट अप्रोप्रिएट है उसके बाद टेस्ट रन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको इंटरप्रेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको रिसर्च पेपर में लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बस बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं उनका मेजरमेंट लेवल किस तरह से होता है उनका आपस में इंटरेक्शन कौन सा होता है आप की जो रिसर्च है उसके लिए बेहतरीन एनालिसिस कौन सा रहेगा ठीक हो गया जी अभी तक हमने क्या पढ़ा यूनिवेरिएट बायवेरिएट विद इन सब्जेक्ट और बिटवीन सब्जेक्ट इसके अलावा एसोसिएशन टेस्ट ठीक है कोरिलेशन अब आ जाए एनालिसिस के ऊपर मैं याद रखें जो रिग्रेशन एनालिसिस है, है, है ये रखेंट करता है फ्यूचर को जो एसोसिएशन बेसिकली एसोसिएशन का जो मेजर है ये रिग्रेशन भी आपको एसोसिएशन ही बताता है लेकिन फर्क इसमें ये है कि ये प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में आपका किस तरह से होगा इसके वैल्यूज क्या होंगी फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैल्यू आप देख लें एक्स एंड वाई ठीक है इसकी पॉइंट सेवन कोरेशन है अब इन दोनों वैल्यूज को लेके ना यहाँ पे वो प्रिडिक्ट करेगा कि वैल्यूज आपकी क्या है इसको हम रेजिजल्स भी बोलते हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस का जो डिफरेंस है एसोसिएटिव एनालिसिस के साथ वो सिर्फ ये है कि वो प्रडिक्शन आपको देता है ये आप चार्ट देख लें कि ये है जॉब परफॉर्मेंस टेस्ट स्कोर और आईक्यू टेस्ट स्कोर फॉर एग्जांपल आपने अपने एम्प्लॉयज का आईक्यू टेस्ट लिया ठीक है ये स्कोर्स के ऊपर उनको प्लॉट किया डिफरेंट वैल्यूज ये आपकी जॉब परफॉर्मेंस टेस्ट है कि आपकी परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या है एटी लोअर लोएस्ट टू हाईएस्ट ये वाई एक्सेस के ब्रोनन उन्होंने प्लॉट किया अच्छा अब इसके अंदर आप ये देखते हैं कि जो 10 पॉइंट्स हैं आईक्यू पॉइंट्स वो 6.4 परफॉर्मेंस पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं तो एवरी 10 पॉइंट यू विल इंक्रीज इन आईक्यू स्कोर इट विल रिजल्ट इन 6.4 परफॉर्मेंस पॉइंट्स ऑन योर जॉब तो यह जो प्रेडिक्टिव बनाना चाहिए ना ये रिग्रेशन एनालिस की मदद मतलब से हमें समझ आता है और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज स्टेटिसिकल एनालिसिस इन ऑल रिसर्च पेपर्स ओवर ऑल टाइम क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल रिसर्च होती है वो यही होती है कि आप जो फ्यूचर का फिनमिन है उसको प्रडिक्ट कर सकें अगर तो आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना है कि आपके डाटा क्या डेमोग्राफिक्स क्या है पॉपुलेशन क्या है उसका क्या मतलब है ये तो कोई भी कर सकता है जो आपके प्रोडिक्टिव पावर्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी रिसर्च को वैलिड बनाती हैं अब इसके अंदर प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर आपने किस तरह से डिसाइड करना है कि आपने टेस्ट कौन सा यूज़ करना है अब आपका जो आउटकम वेरिएबल है फॉर uh, एग्जांपल अगर आपने आईक्यू को यूज़ करके जॉब परफॉर्मेंस को प्रिडक्ट करना है इसके अंदर अगर आपका आउटकम वेरिएबल क्वांटिटेटिव है जो कि आप नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं तो आप उसके लिए मल्टीपल या लीनियर एग्रेशन यूज़ करेंगे डिपेंडिंग के कितने आपके वेरिएबल्स हैं अच्छा जो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर वो ऑर्डिनल है तो फिर आप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और ऑर्डिनल रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं नॉमिनल है तो तब भी आप डिस्क्रिमिनेंट यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी थी एपिडेमियोलॉजी के अंदर यूज होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसके लिए फिर हम ये यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन ठीक हो गया जी अब आपको समझ आ गई एनालिसिस एसोसिएशन वाले होते हैं प्रिडिक्शन वाले होते हैं अब आप आ जाए क्लासिफिकेशन एनालिसिस के ऊपर इसके अंदर बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता हमारे पास दो किस्म के टेस्ट होते हैं एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स की मदद से एक डिपेंडेंट वेरिएबल प्रडक्ट करते हैं या मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रडिकट करते हैं कुछ टेस्ट होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ जो डाटा का स्ट्रक्चर है वो हम मालूम करना चाह रहे होते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है अभी मैंने आपको बिग फाइव का टेस्ट के हवाले से बताया था कि इसके अंदर बेसिकली हम करते ये कि, कि कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता इसके लिए जो हमारे पास जो रिस्पोंडेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं हम उनको फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो कितने डिफरेंट डिस्टिंग फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी के कितने फैसट्स होते हैं इसको एनालाइज करने के लिए हम रिस्पोंडेंट से आंसर ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम एक्सप्लोरेटिव फैक्टर रन करते हैं ये पता करने के लिए कि ये डाटा कितने क्लस्टर्स में कितने फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है बेस्ड ऑन स्टेटिसिकल एनालिसिस इसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं हम फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या क्लस्टर्स बना सकते हैं उन डाटा के अंदर मार्केट रिसर्च के अंदर uh, और बिहेवियर रिसर्च के अंदर ये हम बहुत यूज uh, करते हैं किसी भी थ्योरी को आपको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको सबसे पहले उसको एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके फैक्टर्स उसके अंदर कितने एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं उसके बाद अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आपके पास पहले ही थ्योरी है आप ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो आपकी थ्योरी को कन्फर्म करता है या नहीं करता तो उसके अंदर फिर हम कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर एनालिसिस हैं और ये कोजेक्शन और कोवरियंस के ऊपर बेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक डाटा है ठीक है मैं आपको बिग फाइव का भी डाटा दिखाता हूँ

अगर तो ये फैक्टर्स जो हमारी थ्योरी के अंदर हैं जो हमारे डाटा से भी प्रूव होते हैं और इसी तरह से फैक्टर्स आते हैं फिर तो हम कहेंगे कि हमारी थ्योरी कंफर्म uh, हो गई है फैक्टर एनालिसिस से ठीक हो गया अब इसका एक और वेरिएंट है क्लस्टर एनालिसिस उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ना लोगों के पार्टिसिपेंट्स के नाम या जो भी हैं उनके आइडेंटिफिकेशन ले लेते ले ले हैं और उनके डिफरेंट स्कोर्स ले लेते ले हैं ठीक है अब हम ये बताएंगे कि जो सिमिलर स्कोर्स हैं को या को के बेस के ऊपर वो

तो अब आपको मैं थोड़ा सा एक दफा ही तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की डिफरेंट मेजरमेंट्स हमने लेनी होती है आपको मैंने बताया था कि तीन सब्जेक्ट्स के स्कोर्स आ, किसी एक आ, सब्जेक्ट के आप ले लें और उनके दरमियान आपने मीन्स और जो मीडियंस निकालने हैं उसको हम कहते हैं विद इन सब्जेक्ट जो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हैं उसको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, भी बाई है, बल्कि दो सब्जेक्ट्स ही इसमें सही रहते हैं अच्छा फिर आपने मेजर इस तरह से निकालना है कि दो सेट ऑफ डेटा के अंदर आपस में कोरिलेशन कितना है इसके अंदर क्वानिटेटिव मेजर का जो सबसे फेमस टेस्ट है वो हम इसी के कैटेगरी के अंदर आता है कि हम एसोसिएशन जानना चाहते हैं दो सेट ऑफ डाटा के अंदर प्रिडिक्शन एनालिसिस के अंदर हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में आ, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी जैसे रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन डिस्क्रम एनालिसिस इसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन एनालिसिस के अंदर हमने बताया था कि अगर हमारे पास हम हमको थ्योरी डेवलप करना चाह रहे हैं डाटा से तो हम एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं अगर हम कन्फर्म कर उसको करना चाह रहे हैं कि हमारे पास पहले ही थ्योरी है हम ये चाह रहे हैं कि डाटा इसको कन्फर्म करता है या नहीं करता तो उसके लिए हम कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं फिर इसके अंदर हम क्लस्टर क्लस्टर एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट कस्टमर की सेगमेंटेशन के लिए तो ये एक जो है ना हमने आज ब्रीफ़ ओवरव्यू पढ़ाया फिर हमने सैम्पल्स के बारे में पढ़ाया कि पॉपुलेशन सैंपल्स कितनी होती हैं uh, इसके अलावा हमने ये देखा कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए की दो बेसिक टाइप्स कौन सी होती हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लूल लेवल्स ऑफ मेजरमेंट कौन से होते हैं इंटरवल नॉमिनल ऑर्डिनल रेशो सिलेक्शन किस तरह से करते हैं एनालिसिस के टाइप की बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल अगर क्वानिटेटिव और क्वानिटेटिव uh, दो वेरिएबल्स उनका आपस में कोरेशन चेक करना है तो हम पी एस एन आर यूज करेंगे इस तरह से एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल के बारे में हमने बात की रियल एंड आइडियल रिसर्च के बारे में बात की कल मैं इनशाला आपको जो है ना ये इसका एनालिसिस रन करके दिखाऊंगा अभी जो लास्ट कुछ टाइम है मैं चाह रहा हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चन जो हों इसके बारे में वो कुछ क्लियर हो जाए आपका अगर कोई क्वेश्चन है इस बारे में अगर आपका कोई बेसिक्स क्लियर नहीं है या आप कोई पूछना चाह रही हैं तो अब आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर माइक में क्वेश्चन हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं आप आ, मुझे बता दें कि आपका कोई क्वेश्चन है अच्छा जो रेल और आइडियल रिसर्च नहीं रेल और आइडियल जो सिचुएशन है रिसर्च की उसके बारे में मैंने बताया था कि एक तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आपका जो सैंपल साइज है वो मैच करे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर पाकिस्तान के अंदर लट से फिफ्टी फाइव परसेंट फीमेल हैं और फोर्टी फाइव परसेंट मेल्स हैं और आप पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं और आपके सैंपल के अंदर थर्टी परसेंट फीमेल्स हैं और सेवेंटी परसेंट मेल्स हैं तो जो रियल सीनारी है वो ये है कि आपके पास थर्टी मेल सॉरी थर्टी फीमेल्स हैं और सेवेंटी मेल्स हैं और जो आइडियल सीनारी है वो ये है कि आपका जो सैंपल है वो मैच करना चाहिए पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन के साथ जो है फिफ्टी फाइव परसेंट फीमेल एंड फोर्टी फाइव परसेंट मेल्स तो ये जो आइडियल और रियल रिसर्च सीनैरियो है ना ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है तो आपको कभी भी आइडियल सिनारी नहीं मिलेगा तो आपने उसको अपने डाटा को उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म करना है कि आपने फिर जो उसके ऊपर टेस्ट रन करने हैं वो उसी हिसाब से करने हैं फॉर एग्जाम्पल आपको उसको पहले लॉक टर्म से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि उसकी जो आ, कर्व है नॉर्मल कर्व है वो नॉर्मल कर्व के अंदर आ जाए स्क्यूड या, या आउट ना हो आपका डाटा और फिर उसके ऊपर रन करना है आप बस ये समझ लें कि आपको कभी भी रियल लाइफ की आइडियल सिचुएशन जो है ना नहीं मिलेगी जी फिर क्लासिफिकेशन एनालिसिस के अंदर बेसिकली होता ही है कि आप अपने डाटा के अंदर पैटर्नस ढूंढ रहे होते हैं ट्रेंड्स ढूंढ रहे होते हैं कि आपके डाटा के अंदर किस तरह से वेरिएशन हो सकती हैं अब इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं या तो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको डिफरेंट ग्रुप करें कि उनको देखें कि उनमें से सबसे सब ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाएगा आपकी कंपनी है आप कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं ठीक है आपके पास कुछ डाटा है कस्टमर्स का लास्ट सिक्स मंथ का या लास्ट ईयर का के आपके पास इतने डाटा हैं उन्होंने डाटा पॉइंट्स हैं उसके अंदर इतने लोगों ने परचेज़ किए इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ परचेज़ किए इतनी वैल्यू के परचेज़ किए अब आप उसमें ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जो सबसे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं ठीक है वो क्या क्या चीज़ों को पसंद करते हैं उनको कौन से प्रोडक्ट्स पसंद आई किस टाइम ऑफ द ईयर पसंद आई उसके लिए आप बेसिकली तमाम अपना डाटा इनपुट करेंगे एस्पेस के अंदर उसके ऊपर आप एक क्लस्टर एनआसान करेंगे जिसके अंदर आपका जो सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर है ना वो एस्पेस आउटपुट आपको बेसिकली क्लस्टर्स बना देगा कि ये इनकी जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट हैं दूसरे क्लस्टर के साथ दूसरे क्लस्टर की वैल्यूज डिफरेंट हैं थर्ड क्लस्टर के साथ अब आपने उसको इंटरप्रेट खुद करना है कि आपका जो वेलुएबल कस्टमर्स हैं ये कौन सा क्लस्टर है जो मीडियम है वो कौन सा क्लस्टर है जो सबसे स्मॉल क्लस्टर है वो कौन सा है ठीक है तो बेसिकली ये जो क्लासीफाई आप करते हैं ना अपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट केसेस को उसको हम कहते हैं क्लासीफिकेशन एनालिसिस एक तो ये होगा क्लस्टर एनालिसिस जिसके अंदर आप लोगों को क्लस्टर करते हैं ठीक है थीके? एक होता है फैक्टर एनालिसिस उसके अंदर जो आपका रिसर्च का रिस्पॉन्स है ना Uh, कि आपने कोई क्वेश्चन एड दिया फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड लोगों को आपने क्वेश्चन एड दिया उनके रिस्पॉन्स गए उसके अंदर आप ये देखते हैं कि जो आपके फैक्टर्स हैं जो उनके रिस्पॉन्स हैं वो किस uh, कितने फैक्टर्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि जो uh, जिन्होंने रेट हाई किया हुआ है आपके रिस्पॉन्स के अंदर क्वेश्चन को उनका उन्होंने एक फैक्टर बना लिया कि जो हाई रेटेड फैक्टर्स हैं वो ये हैं जो लो रेटेड फैक्टर हैं वो ये हैं और इन सारों की जो ओवरऑल ट्रेंड बन रहा है वो डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है फॉर एग्जाम्पल मेक फाइव की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जब हम रिस्पॉन्डेंट uh, से आंसर उसके ले लेते हैं उसके बाद हम उसमें से ये देखते हैं कि उनका जो स्कोर है वो एक्स्ट्रा वर्जन का एग्रीबलनेस से आपस में मैच तो नहीं कर रहा निजम का कॉन्सेंस के साथ मैच तो नहीं कर रहा इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस और ये फैक्टर एनालिसिस का एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम पैटर्न uh, मैट्रिक्स देखते हैं जब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि उसके अंदर होता यह है कि हम डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स बना लेते हैं और वो फैक्टर्स जो है ना फिर हमें हेल्प करते हैं थ्योरीज को इस्टेब्लिश करने के अंदर और थ्योरीज को कंफर्म करने के अंदर तो इसको हम फैक्टर एनालिसिस कहते हैं बाकी मैं आपको जब स्मार्ट प्लेस के अंदर हम जाएंगे और एक्सपेसर के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डाटा को इनपुट करके इसको हम फिर फैक्टर एनालिसिस करते हैं जी जब सैम्पलिंग के मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो मेथड्स होते हैं एक मेथड तो होता है कि आप का जो टोटल सैंपल पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में करना चाह रहे हैं पिशावर में इस्लामाबाद में तो आपने पूरे सिटी का पॉपुलेशन देखना है ठीक है फिर आपने उसका एक सैंपल निकालना है कि आपका कॉन्फिडेंशल कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना नाइन्टी है नाइन्टी है कितना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको एक सैम्पल साइज कैलकुलेटर जो है ना वो बन जाता है मैं आपको एक दिखाता हूँ आपको एक सर्वे मंग की वेबसाइट है उसके पर भी आपको मिल जाएगा ये आपका सैम्पल साइज कैलकुलेटर का एक पेज है जहाँ पे आपने बेसिकली पॉपुलेशन साइज लिखनी है इसके अंदर आपको गाइडेंस मिल जाएगी द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हुज ओपिनियन और बिहेवियर योर सैंपल विल रिप्रेजेंट जैसे अगर आप कराची में करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप कराची के पॉपुलेशन का बताना चाह रहे हैं कि जो आप मेजर कर रहे हैं कोई भी एस्पेक्ट वो इस पॉपुलेशन के अंदर कितना है तो आपने टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे लिखनी है कराची की फिर आपने डिफरेंट इंटरवल जो कॉन्फिडेंस लेवल है अपनी रिसर्च का अगर आप चाहते हैं कि आपका एरर मार्जिन सिर्फ फाइव परसेंट हो तो आप नाइन्टी फाइव परसेंट जो है कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ठीक है एरर मार्जिन यहाँ पे आप फाइव लिखेंगे टोटल हंड्रेड हो जाएगा नाइन्टी फाइव और फाइव ठीक हो गया फिर आपका सैंपल साइज कैलकुलेट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कराची की आबादी तीस लाख है तो हम तीस लाख लिख के नाइन्टी फाइव इंटरवल के ऊपर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे थ्री एटी फाइव आपको इसके लिए सैंपल चाहिए ठीक होगा जी अब आपकी टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है यहाँ पे आपने एंटर करनी है कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे आपने उसको लिखना है और मार्जिन यहाँ पे आपने फाइव लिख देना है ठीक है ये आपका सैंपल साइज निकला है एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका ये है कि उसके अंदर आप आपका जो क्वेश्चन है जो आप उनको देना चाह रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे टोटल क्वेश्चन हैं कितने हैं अगर आपके थर्टी क्वेश्चन हैं तो ऑन एवरेज जो रूल है वो ये है कि हर कोश्चन के अगेंस्ट आपके पास फाइव टू टेन जो ना रिस्पॉन्स होने चाहिए तो थ्री हंड्रेड का मतलब है कि आपके पास फिफ उसके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं फिफ्टीन हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड होने चाहिए अगर थर्टी कोश्चन हैं फिर आपके हंड्रेड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड उसके रिस्पॉन्डेंट्स होने चाहिए तो दूसरा तरीका ये है देखिए रबी आपके जो रिसर्च है जो एपिडेमियोलॉजी डिमियोलॉजी की रिसर्च है वो आ, सोशल साइंस की रिसर्च से जो तो है इस वजह से डिफरेंट है कि आपका जो नया चीज़ होता है उसके अंदर मल्टीवेरिएट फैक्टर्स होते हैं फॉर एग्जांपल जो डिसीज़ पेशेंट है आ, उसका आपने प्रिडिक्स किस तरह से करना है कि किन फैक्टर्स की वजह से फर्टिलिटी रेट हाई हुआ वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स की वजह से आपको पता चलता है कि आ, आप प्रिडिक्ड किस तरह से कर सकते हैं फर्टिलिटी या नॉन फर्टिलिटी उसके अंदर फिर लॉजिस्टिकल रिग्रेशन हम यूज करते हैं जिसके अंदर हमें आउटकम जो है ना हमारी वो होती है एक कैटेगरी में या दूसरी कैटेगरी में अलाइव और डेड तो उसका एक कंप्लीट uh, uh, जो है डिफरेंट प्रोसेस है उसके अंदर आपने बेसिकली प्रिडिक्ड करना होता है सैंपल साइज टोटल पॉपुलेशन विद रिपोर्टेड इशू और फिर उसके अंदर कितने डिसीज हैं कितने अलाइव हैं तो उसका सैम्पल साइज डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है वो मैं आपको थोड़ा इंडिविजुअल गाइड कर दूंगा लेकिन आप बेसिक अभी कॉन्सेप्ट समझ लें कि साइज कैलकुलेट करने के बाद आपने किस तरह से उसको रिप्रेजेंटेटिव करना है फिर स्टेटिस्टिकल टेस्ट कौन सा यूज करना है और मेजरमेंट किस तरह से करना है ये इनशाला हम सारी एक एक चीजें यहाँ पे क्लियर कर देंगे ठीक होगा जी आज की सेशन आ, को फिर यहीं पर खत्म करते हैं आप थोड़ा रिव्यूज करें अपने जो आ, मैंने डाटा आपको दिया या फाइल्स वगैरह पड़ी हैं वो आप डाउनलोड करें उनके बारे में कोई क्वेश्चन है वो आप नोट करें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि फिर कल हम जो है ना इसको आगे लेके चले तो मेरा ये जनरल रूल है हमारा कि टू जो है ना एक आइटम के अगेंस्ट होने चाहिए क्योंकि जो आपकी स्टेटिसिकल पावर है वो इससे डिटर्मिंड होती है आपका जो अल्फा और बीटा है जो पावर और इफेक्ट साइज है उनका एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इसकी एक बहुत सारी इसके हैं और इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं जैसे जोजफ हायर की काफी बुक्स हैं जिसके अंदर एक्सप्लैनेशन है तो वो इनशाला जो है ना वो भी मैं आपको डिटेल्स से बता दूंगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक इसके पे बुक चाहिए स्टेटिस्टिकल थ्योरी की वो मैं आपको दे दूँगा लेकिन ओवर कॉम्प्लिकेट चीज़ों को ना करें आप सिर्फ वही चीज़ यूज़ करें जो आपको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ज़रूरत होती है काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ मुझे भी नहीं पता जो मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है अब मुझे नहीं पता कि केमिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट लाइज uh, और रेज और बीम का जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी वो वैल्यूज को कौन टेस्ट से जो ना एनालाइज करते हैं मेरा फील्ड है सोशल साइंसेज और साइंस मैं उस फील्ड के सारे जानता हूँ इतना बड़ा एक दरिया है जिसके अंदर आप गुम तो हो सकते हैं लेकिन आप जो है ना उसका दूसरा सिरा नहीं निकाल सकते तो उसी चीज़ के ऊपर फोकस करें जो आपके रिसर्च से रिलेटेड है अगर आप उसके अंदर डीप स्टेस्टिक्स में चली जाएंगी तो ये तो बहुत बड़ा फील्ड है तो आप अपना जो बेसिक सैम्पल साइज है आपके रिसर्च का उसको कैलकुलेट करें उसके ऊपर एनालिस डिजाइन करें और इंशाल्लाह आपका आउटपुट बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक होगा जी कोई और क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टूडे वी विल बी मैनेजिंग रिकॉर्डिंग होपफुली सोन ऑल्सो एंड पोस्टिंग दैट राउंड अबाउट भी, भी आ, काम कर लेगा ऐसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थैंक यू सो मच जी अ नाइस डे एंड सी यू टुमारो